आज भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ सांसद राज विष्टको उपस्थितिमा मेजर दुर्ग मल्लको बलिदान दिवसको अवसरमा भारतको संसद परिसरमा उपस्थित भएर दार्जिलिङ पहाडका भारतीय जनता पार्टी सांसद राज विष्टले विशेष डीएसटीभीसँगको साक्षात्कारमा आज मेजर दुर्ग मल्लको भारत देशप्रति उनले दिएको त्याग योगदान र बलिदानको कदर गर्दै वीर मेजर दुर्ग मल्ल भारत माताको एक सच्चा सपूत थिए भन्दै उनले मेजर दुर्ग मल्लको देशप्रतिको बलिदान एक महान बलिदान हो भनी बताएका छन्। नहीं सर वो थोड़ा पूछ लेंगे, मैंने कहा अमाउंट कितना बचा थोड़ा सा हिसाब से। अच्छा ठीक है। और ऊपर वहाँ पर हमारा पार्किंग है, कैंट में हमारा पार्किंग। और मेरा जन्म स्थान मणिपुर है, तो जब आने का था तो पकड़ा के मैं मणिपुर से, दो लोगों को एक फांसी दी यहाँ पे, दो लोगों को दी हम लोग, एक इनको दोनों को कम उम्र में 18 साल में दूर से जी मेजर दुर्गा मल्ल जी को माल्यार्पण करने और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम आए हैं। वो हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं जिन्होंने अपना प्राण का आहुति इस देश के लिए दिया है। हमें इस बात के लिए हम उनको बहुत नमन करते हैं। आज हमारे बीच में यही श्रद्धांजलि सभा में हमारे माननीय मंत्री जी अजय जी और हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट जी, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है, मैं अनुरोध करूँगा कि ये भी दो शब्द अपना रखें। नमस्कार। आज हिंदुस्तान आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और आज का दिन हम सब के लिए विशेष है, क्योंकि समस्त गोरखा समाज आज के दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाता है। हम सब जानते हैं कि देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने अपनी त्याग तपस्या और बलिदान दिए हैं और गोरखा समाज का भी देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे ही शहीद दुर्गा मल्ल जी, जिनका जन्म उत्तरांचल के डोईवाला में हुआ था और आईएनए के गठन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको गुप्तचर विभाग का कार्यभार भी उनको संभाला था और अंग्रेज के समय में उनको मणिपुर के उखरुल से 1944 में उनको वहाँ से अंग्रेजों ने पकड़ा था और बाद में आकर के 25 अगस्त 1944 को उनको दिल्ली में फांसी दी गई। और मतलब इन सब के बावजूद जब आखिरी क्षण था, जिस तरह से अपनी पत्नी को वो कह रहे थे कि शारदा देवी मेरे शहीद होने के बाद भी आप अकेले नहीं रहोगे, उसके बाद करोड़ों हिंदुस्तानी आपके साथ खड़े होंगे और हमारा देश आज़ाद जरूर होगा और बस कुछ समय की बात है, ये उनके आखिरी अपनी पत्नी को शब्द थे। मुझे लगता है ऐसे तमाम लोगों की बहुत बड़ी
तपस्या के कारण हम आज इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। मैं साथी अजय भट्ट जी का बहुत आभारी हूँ, व्यक्तिगत रूप से वो आए आज के इस श्रद्धांजलि सभा में, और भारतीय गोरखा परिसंघ का बहुत बड़ा योगदान है, और हर साल इस तरह के कार्यक्रम पार्लियामेंट हाउस में आकर के वो मनाते हैं। मैं उन सभी समस्त भारतीय गोरखा परिसंघ के सदस्यों को और तमाम गोरखावासियों को, देशवासियों को मतलब बधाई देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग इसी तरह मिल करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, हम सब मिलकर के देश को आगे ले जाएं, उसमें हम सब भी अपनी अपनी भागीदारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखा परिषद के सम्मानित अध्यक्ष जी और मेरे मित्र, संसद में हम एक साथ संसद के सदस्य हैं, आप सब जानते हैं श्रीमान राजू विष्टा जी और मेरे छोटे भाई संदीप जी जोशी साहब और तमाम जितने भी मेरे यहाँ पर गोरखा समाज के इस समय उपस्थित भाई बहनों, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस प्रदेश से सांसद चुन के आया हूँ जिस प्रदेश में गोरखा समाज के हमारे पूज्य आदरणीय, आप सभी लोग जानते हैं जिनके बारे में अभी हमारे सांसद जी ने बताया, हाँ मेजर दुर्गा मल्ल, उसी प्रदेश में उन्होंने जन्म लिया, और जब जब उनका नाम इतिहास में आता है तो हमारे प्रदेश का नाम भी आता है। डोईवाला जहाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है, हम सब लोग वहाँ से सुबह शाम वहाँ से निकलते हैं, वहाँ समाज बहुत बड़ी संख्या में है, देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में हमारा गोरखा समाज है। अपनी जवानी की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं की उन्होंने, और इस देश की आन बान शान के लिए अंग्रेजों से पूरा लोहा लिया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी जो स्वतंत्रता दिलाने में महती भूमिका है, उसके लिए पूरा देश उनका हमेशा के लिए ऋणी है, और गोरखा समाज को मैं सैल्यूट करता हूँ कि हर बार वो इस तरह के आयोजन यहाँ पर करते रहते हैं, और यह हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में उनकी यादगार में आज का दिन शहीदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। गोरखा समाज को मनाता ही मनाता है, हम देहरादून में भी इसको बड़ी आन बान शान के साथ मनाते रहते हैं। मैं हृदय से आभारी हूँ गोरखा समाज के जितने लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने इस पुनीत अवसर पर, पुण्य अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया। अक्सर मैं वहाँ तो जाते रहता हूँ, संसद भवन में आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि